सान कुनिचिवा, आज हम लोग गेंकी वन का लेसन नंबर 10 का कांजी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग को पढ़ते हैं। हेडिंग में लिखा हुआ है कासा जीजो। कासा जीजो का मतलब होता है कथा या कहानी। कांजी नंबर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे टू लीव यानी रहना। टू लीव को हम लोग सू जू पढ़ते हैं। सुमू रहना, जूसो पता। टुलिप को हम लोग 7 स्टॉक ऑर्डर में लिखते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। कांजी नंबर सेकेंड में हम लोग राइट को हम लोग सो तादा पढ़ते हैं। ओसोगात्सु नया साल। तदासी सही। राइट को हम लोग 5 स्टॉक ऑर्डर में लिखते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। हम लोग स्टॉक ऑर्डर को फॉलो करके लिखेंगे। कांजी नंबर थर्ड में हम लोग ईयर को पढ़ेंगे। ईयर साल। ईयर को हम लोग नेन तोसी पढ़ते हैं। सान नेन सही थर्ड ईयर स्टूडेंट यानी तीसरा साल का विद्यार्थी। राइनेन अगली साल। कोतोसी यह साल। तोसी का मतलब होता है साल। ईयर को हम लोग 6 स्टॉक ऑर्डर में लिखेंगे। कांजी नंबर फोर्थ में हम लोग टू सेल यानी बेचना। टू सेल को हम लोग ऊ बाय पढ़ते हैं। उरु सेल बेचना। बायतेन दुकान। टू सेल को हम लोग 7 स्टॉक ऑर्डर में लिखते हैं जो यहाँ पे दर्शाया गया है। इसको हम लोग फॉलो कर लिखेंगे तो हम लोग का लिखने का तरीका है जो कभी गलत नहीं होगा। नंबर फिफ्थ में पढ़ेंगे टू बाय यानी खरीदना। टू बाय को हम लोग का पढ़ते हैं। कौ खरीदना। कैमोनो शॉपिंग यानी खरीदारी। टू बाय को हम लोग 12 स्टॉक ऑर्डर में लिखते हैं। कांजी नंबर 6 में पढ़ेंगे टाउन यानी शहर। टाउन को हम लोग माची चो पढ़ते हैं। माची शहर। कीतायामा चो एक जापान में जगह का नाम है। चोचो शहर का मेयर। टाउन को हम लोग 7th स्टॉक ऑर्डर में लिखते हैं। कांजी नंबर 7th में हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग यानी लंबा। लॉन्ग को हम लोग नगा चो पढ़ते हैं। नगाई लंबा। चोनान बड़ा बेटा। लॉन्ग को हम लोग 8 स्टॉक ऑर्डर में लिखते हैं। कांजी नंबर 8 में पढ़ेंगे वे यानी रास्ता। वे को हम लोग मीची दो पढ़ते हैं। मीची रास्ता। सो दो कैलीग्राफी का मतलब होता है लिखावट। जूदो जूदो एक खेल का नाम है। होकाइदो होकाइदो एक जापान में जगह का नाम है। वे को हम लोग 12 स्टॉक ऑर्डर में लिखते हैं।